यशोमति मैया के नंदलाला। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना, कौन है यहाँ? बलराम, सुबल? यहाँ कोई आए और आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है मैया? यहाँ तो बस ये रस भर आम है जिसका स्वाद मुझे लेना है। रुक जा लल्ला, कुछ भूल ना रहा तू? जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाके भोग लगाना चाहिए। बस बस बस, सुबह से बहुत सेवा कर ली तूने सबकी, अब मैया को तेरी सेवा करने दे। चल आजा। प्रणाम कर लल्ला। मैया, आप मुझे रामायण पढ़ के क्यों सुनाती हो? ताकि तू श्री राम के जैसे चले, उनके जैसे बने। ऐसे बोलने तो दे लल्ला, ताकि तू भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चले, उनके पथ पे चले, उनके जैसे पराक्रमी बने, बुद्धिमान बने। समझ आई? और उनकी तरह योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर, आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाता हूँ। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है, इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करतो है ना, उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जे। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो रही है तो पूरी करेंगे ना नारायण? अवश्य पूरी करेंगे, पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कछु विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगो? सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगो। मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हैं जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ नारायण, बाद में निराश मत कर देना मुझे ना। अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहा है नटखट? अपनी इच्छा थोड़ी बताता है नटखट। मैया को नटखट कह रहे है? मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट, तू नटखट, तेरी मैया का नन्ना नटखट। फल खानो है कि ना? खानो है ना? चल चल।
आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ? तो बताओ ना, कछु दियो आपने? संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है आज की बात प्रयाश में उड़ गई, ना तो आज पापा मेरा पेट खोल देते। वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गए है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर करके भागेगो। जी तेज धनुष तुम्हारे लिए तो लाया हूँ काना। हेलो, देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ लग रो ना बिल्कुल श्री राम। नन, मैं तो कह रहा हूं आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ क्यों ना। पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे, तो फिर कैसे थे राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। सुधा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए। नाना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है, और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना है लल्ला? पर ये तो बताओ रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण, श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन हो तो है, फिर बहुत बड़ा मंच सच तो है, और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा, और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। मैया फिर तो मैं पक्का देखूंगो। अब तक जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है, और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए, और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए।
अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराज कंस शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर ले। अब मुझे आभास हो रहा है अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा कृष्ण पर। हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती। नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए लल्ला? देख पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पार्वती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था, वे आपको पुकार रहे थे। जाओ उनकी सहायता करो। भैया राम की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानंद इक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही है। Ha 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 ha
हो? हे करुणा निधान, कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ। लल्ला, ले जल पी, उठाओ जी इसको, ले जल पी, ले। क्या होगा उसे? हाँ, क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है, क्या होगा उसे जी? हाँ, बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला, हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो, मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो। उठ लल्ला। मैं बैजी को बुला कर ला तू। इसे तनिक काढ़ा पिलाने तुझे। पीले, पीले लल्ला, पीले। मैया, तू ठीक है लल्ला? क्या हो गया था तुझे? हाँ? आप कहते थे ना, बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। देखो बाहर ले जाने से क्या दशा हुई मेरे लल्ला की। जब बाहर ले जाने के कारण ना हो, लल्ला को इतने समय तक घर की देहरी के भीतर बंद रखने के कारण हुआ। इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो जाए, संभालिए प्रभु। मैया, मैं ठीक हूँ बाबा, मैं ठीक हूँ। इस चक्कर में मेरी रामलीला ही छूट गई। तो क्या होगा? मैया तुझे प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ के सुनाती है ना? तो मुझे वही वाला जो सुनाना मैया, तो वहाँ चल रहा था। ठीक है, तो सुन। महापापी रावण उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर?
हाँ राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षी राज जटायु, और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और जे सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण